हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में आपको लिक्विड टेक्स्ट इफेक्ट एनिमेट करके बताऊंगा आफ्टर इफेक्ट में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूँगा। मैं यहाँ पे 920 एंड 1080 का कॉम्प बनाऊंगा। यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ, लिक्विड टेक्स्ट, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ से टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। फॉन्ट साइज यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ट्यूटोरियल, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करके एफ प्रेस करूँगा, यहाँ से मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ इसको अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं इसको यहाँ सेंटर में रख देता हूँ। आप यहाँ से अलाइन भी कर सकते हैं इसको, यहाँ पे अलाइन क्लिक करके सेंटर एकदम एग्जैक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एंकर पॉइंट्स यहाँ साइड में आ रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम ऑल्ट कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो ये एंकर पे एकदम सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको प्री कॉम्प करूँगा, यहाँ से प्री कंपोज करूँगा। यहाँ पे मैं लिख टाइप करता हूँ। इसके बाद मैं कंट्रोल 5 प्रेस करूँगा तो ये खुल के आ जाएगा, इफेक्ट एंड प्रीसेट का डायलॉग बॉक्स। यहाँ से मैं सर्च करूँगा ट्रांसफॉर्म, इसको ड्रैग करके इस पर मैं छोड़ दूँगा। और यहाँ से स्किप करूँगा -10, एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा इटैलिक टाइप में टेक्स्ट हो चुका है। इसके बाद से मैं एक बार और इसको प्री कॉम्प करूँगा, मैं तो स्क्यू लिख देता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ। इसके बाद से एक बार और फिर मैं यहाँ टेक्स इफेक्ट एंड प्रीसेट पे जाऊँगा, यहाँ से टच करूँगा वेगस, वेगस इसको मैं इस पर ड्रॉप कर दूँगा इस तरीके से। इसके बाद मैं सेगमेंट को 1 कर देता हूँ और ओवर को ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ इस तरीके से। यहाँ से कलर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज़ कर सकते हो, मैं वाइट ले लेता हूँ फिलहाल। और यहाँ से मैं विड्थ 5% कर देता हूँ और एंड ओपेसिटी को मैं कर देता हूँ 1 इस तरीके से। अब मैं 2 सेकेंड आगे ले जाऊँगा यहाँ पे और की फ्रेम लगाऊँगा लेंथ और रोटेशन पे इस तरीके से। अब मैं इसको बैक ले आता हूँ 0 पे और लेंथ को मैं कर देता हूँ 0 और रोटेशन को कर देता हूँ मैं -90। अब हम देखते हैं हमारा एनिमेशन, तो आप देख सकते हैं बड़ा ही कूल सा एनिमेशन बन गया है। थोड़ा सा और इसमें मैं कुछ क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए स्क्यू को मैं कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करूँगा। डी से डुप्लीकेट किया, इसको मैं रिनेम कर दूँगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ येलो। स्क्यू वाले को मैं रिनेम कर देता हूँ वाइट, क्योंकि ये वाइट है। तो येलो वाले को मैं यहाँ से येलो कलर चूज कर लूँगा और थोड़ा सा मैं इसको आगे ले जाऊंगा। आप देख सकते हैं आप किस तरह का इफेक्ट तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं बड़ा ही कूल सा इफेक्ट तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं येलो को एक बार और डुप्लीकेट करूंगा कंट्रोल डी से और इसको रिनेम कर दूंगा मैं रेड। रेड वाली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं कलर कर देता हूँ रेड इस तरीके से। और इसको थोड़ा सा और मैं आगे पुश कर देता हूँ ऐसे और इसको यहाँ 2 सेकेंड पे लाके मैं एन प्रेस करूँगा तो ये यहीं तक का, इससे आगे तक का नहीं रेंडर होगा। मैं एन प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हैं यहीं पे वर्क एरिया एंड हो चुका है। तो आपको दिखाता हूँ मैं, आप देख सकते हैं बड़ा ही कूल सा टेक्स इफेक्ट रेडी हो गया है।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप और भी इस तरह की वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।